हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो यार तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत से हो गए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज तुम लोग देख पा रहे हो कि अपन 3K सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे के सारे लोग। एंड बढ़ते हैं इसके पहले न्यूज़ की तरफ, तो बात कर लेते हैं क्लच गॉड एंड गिल के बारे में। एंड ये वाली लीक यार मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देता हुआ आ रहा हूँ कि जो क्लच गॉड हैं एंड साथ में जो गिल हैं वो हमें देखने को मिलेंगे टीम INS में खेलते हुए BGMI के शोडाउन लाइन इवेंट में। एंड ये वाली लीक भी कन्फर्म हो चुकी है एंड क्लच गॉड एंड गिल दोनों के दोनों हमें टीम INS में खेलते हुए दिखे। एंड BGMI के शोडाउन लाइन इवेंट में कौन सा प्लेयर कौन से टीम के लिए खेलने वाला है उसके लिए तुम ये पूरी की पूरी लिस्ट देख लो, पूरे के पूरे प्लेयर्स की तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं BGMI शोडाउन लाइन इवेंट के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में। हमें नंबर 1 पे देखने को मिल रही है ORE स्पोर्ट्स विद ओवरऑल 80 पॉइंट्स। नंबर 2 पे हमें देखने को मिल रही है टीम एक्सो विद ओवरऑल 77 पॉइंट्स। एंड साथ में नंबर 3 पे हमें देखने को मिल रही है हैदराबाद हाइड्राज विद ओवरऑल 71 पॉइंट्स। एंड ये था BGMI शोडाउन लाइन इवेंट का ओवरऑल स्टैंडिंग। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं रॉक्सवाई के बारे में। अब जैसा कि हमें पता है कि BGMI शोडाउन लाइन इवेंट में हमें ORE स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल रही है, तो इसी के बारे में रॉक्स भाई ने ट्वीट किया। उन्होंने बोला, ORE स्पोर्ट्स लुक्स अनस्टॉपेबल, दे माइट बी द सेकंड टीम फ्रॉम इंडिया टू टेक अ पार्ट इन PMWI कंसिडरिंग द फॉर्म दे आर इन अपार्ट फ्रॉम टीम सोल। एंड यस यार, जैसा अभी फॉर्म है ORE स्पोर्ट्स का, अगर ये ऐसे ही खेलती रही तो इसीलिए यार हमें विन करते हुए दिख जाएगी BGMI शोडाउन लैन इवेंट। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं डेस्ट्रो के बारे में। एंड डेस्ट्रो भाई जब लाइव है तो उन्होंने बात किया कि BGMI में जब टीम गॉडलाइक एंड टीम सोल जब जीत नहीं पाई एंड इसके बाद में जोनाथन एंड गॉब्लिन जो सैड हो गए थे, तो इसी के बारे में डेस्ट्रो भाई ने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। गॉडलाइक सेकंड टाइम सोल वाले खुश हुए कि नहीं भाई, कोई किसी और टीम के उस पर खुश नहीं था। सोल वाज डिसअपॉइंटेड अपनी परफॉर्मेंस को लेके। भाई सच बता रहा हूँ, किसी पे उस टाइम पे किसी पे इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी और टीम के बारे में देख के मतलब खुश हो, ठीक है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। सोल अपने बारे में सोच रही थी भाई, वो लोग फर्स्ट आ सकते थे बट वो नहीं आए, डिसअपॉइंटेड थे भाई, वो दिख रहा चेहरे पे उनके। बस सेम फॉर गॉडल, जीत सकते थे लेकिन नहीं आया तो भाई वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे भाई। जॉनी जो रोया है ना भाई, मेरे को खराब लगा था भाई, पता है अपने से ज्यादा मेरे को जॉनी के लिए खराब लगा था भाई, बंदा डिजर्व करता वो ट्रॉफी। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात करते हैं BGMI शोडाउन लाइन इवेंट के प्लेयर्स के एंट्री के बारे में। एंड जिन जिन प्लेयर्स की एंट्री सबसे ज्यादा यूनिक थी वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ओरांगुटान। The AF Army is here to make their presence felt with their unpredictable gameplay and firepower. Our eSports! We know what Canary and team are capable of on the big stages. It is their time to go on a rampage. Esports! OR Jelly and his big brain players will always leave you in awe. One of the most entertaining teams and one that definitely strikes fear in the hearts of their opponents. एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं मॉडल के बारे में। अब जैसा कि हमें पता है कि BGMI के शोडाउन के लाइन इवेंट में हमें टीम सोल की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी देखने को नहीं मिली, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी परफॉर्मेंस थी। एंड इसके बारे में मॉडल ने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आई नो सोल का परफॉर्मेंस देखा मैंने, डोंट वरी अबाउट इट, ग्रुप में हम लोग की बात हो गई है एंड दे गोना डू इट, डू नॉट वरी, सब सही होगा। ये कौन सा गेम प्ले खेल रहे हैं शोडाउन में, डोंट वरी हो जाएगा। सी वी हैव स्पोकन, थोड़ा सा आई वाज देम टू बकल अप देयर सीट बेल्ट्स, हो जाएगा। गेम खराब हो गया क्यों? नहीं यार, पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है गेम खराब हो गया। एंड डू नॉट वरी अबाउट इट, कल देखते हैं कैसा होता है परफॉर्मेंस टीम का। आज मैंने थोड़ा, मैंने नहीं मतलब थग ने भी बात किया एंड ग्रुप में सबको अच्छा सा सुई दिया है टोचन, तो कल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सोल को क्या हो गया, कुछ नया ट्राई कर रही क्या? नहीं, नया नहीं ट्राई कर रहे थे। देखो हम लोग की ग्रुप में बात हो रही है, मतलब ओमेगा ने प्रॉब्लम बोला जो भी चल रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक हो जाएगा, खेल लेंगे। थोड़ा सा बदमाशी कर रहे ये लोग, दे विल बी बैक ऑन ट्रैक टुमारो। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया के बारे में। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट को कि इंडियन गेमिंग में
ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके रेगुलेशंस वगैरह को इजी कर दिया जाए। एंड यार काफी ज्यादा गुड न्यूज है ये इंडियन गेमिंग कम्युनिटी सीन के लिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं BGMS LAN इवेंट के ओवरऑल कॉस्ट के बारे में। एंड हमें लेट्स ग्रो ई-स्पोर्ट्स ने बताया कि नॉर्डविन ने BGMS पे 15 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगाए। एंड इससे यार ये चीज पता चलती है कि अपनी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के सीन में या फिर इंडियन ई-स्पोर्ट्स जो है वो कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं मांबा के बारे में। अब मांबा जब लाइव आए तो उन्होंने फनी वे में ओमेगा को एक्सपोज किया उनके न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर। एंड उन्होंने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। साहिल नहीं है उसका भाई हूँ। वो दूसरी दूसरी वाली आईडी पे कर दिया तुमने मेरे भाई के पास। अबे तो भाई मुझे क्या पता। हटाओ हटाओ। वो मेरा भाई है तो वो वाला आईडी हटा दूं ना? हटाओ ना हटा लो कुछ भी कर लो, मतलब अभी ज्यादा यूज नहीं करता वो मेरे भाई को दे रहा। अच्छा किसी कन्या के साथ लवर में है यार वो नाज जी हैं। हां तो ओमेगा ही होगा। क्या कर सकते हैं भाई, ये मेरा कर रहा है ऐसे खेल लेता है कभी कभी, ने गेम छोड़ ही रखा है ऐसे। कन्या तो है। अच्छा और कोई आ रहा है क्या? क्या मजाक कर रहा था? माइटी को बुला रहा हूं। बुलाओ। कन्या तो है। अच्छा दो आईडी है ओमेगा की। हाँ अबे मेरे फोन में भी ओमेगा दो नाम से सेव है, 8-bit ओमेगा एक 16-bit ओमेगा, पुराना नंबर है क्या कोई? हाँ वो ओमेगा की ही है। अबे साले ओमेगा बताया अभी क्या क्या कन्या कौन है? अरे ऐसी बात कर रहे थे चैट में, ध्यान मत यार चैट में ध्यान नहीं दे रहा मैं तो भाई, उस पे रिलेशनशिप स्टेटस पे ध्यान दे रहा हूँ, लवर्स लिखा हुआ है भाई। हेलो एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं क्लच गॉड के बारे में। अब BGMI शोडाउन के लैन इवेंट में लास्ट वाले मैच में हमें क्लच गॉड की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी देखने को मिली। एंड इसी के बारे में घातक भाई अप्रिशिएट करते हुए क्लच गॉड को अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे कुछ ये बोले। एंड घातक भाई ने क्लच गॉड को बोला, लेफ्ट गॉड लाइन अप टू ब्रेक फ्रॉम कॉम्पिटेटिव गॉड इन्फेक्टेड इन आईज, लॉट्स ऑफ पीपल डाउटेड ऑन हिज आईज लिंक, प्लेड फॉर INS, won the much needed game, clutch god again proved why he represented India at the global level not once but many times, and clutch god ने बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई यार। तो बस आज के लिए इतनी न्यूज थी, एंड न्यू सबमिशन के लिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करना, और नेक्स्ट डे मैं तुम्हें क्रेडिट्स भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। और जैसा कि तुम्हें पता है कि अपन 3K सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो सब्सक्राइब करना यार मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।